चलिए अब बात करते हैं चंदन के तिलक की। चंदन का तिलक लगाने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, चंदन के तिलक से कौन कौन से फायदे मिलते हैं? पहली बात तो ये जान लीजिए कि चंदन को श्रीखंड भी कहते हैं। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरम श्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहीयताम। चंदन जो है ये कीटाणुनाशक होने के कारण एक बेहतरीन हर्बल एंटीसेप्टिक है। हर्बल माने आयुर्वेदिक। चंदन का तिलक लगाने से बुरे विचार मन में कम आते हैं, आते हैं लेकिन कम आते हैं। चंदन का तिलक ज्ञान तंतु की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। शिवलिंग का अभिषेक चंदन से किया जाता है। श्री हरि और उनके अवतारों को सफेद और पीले चंदन का लेप प्रिय है। देवी उपासना में लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंदन की लकड़ी से माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, गायत्री माता का जप करने से चंदन के माला पर शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना चंदन की लकड़ी से करने से मंगल ग्रह दोष दूर होता है। इस चंदन की लकड़ी से क्या उपासना करेंगे आप? चंदन की लकड़ी से दो उपासना होगी। एक तो चंदन की लकड़ी, मलयागिर चंदन की लकड़ी को घिस करके और उसे माता को चंदन के रूप में अर्पित करेंगे, और दूसरा काम उसी लकड़ी का छोटा छोटा दो चार टुकड़ा बना करके और हवन में भी उसका प्रयोग करेंगे तो उससे भी आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। सफ़ेद चंदन की माला से माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और गायत्री मंत्रों का जप किया जा सकता है। चंदन का इत्र कैसे लगाने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता रहती है, साथ ही चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। ज्योतिष शास्त्र में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए चंदन का प्रयोग किया जाता है। और चंदन की महत्ता यह है, चंदन विश्वव्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन इतना महान है कि सैकड़ों सर्प उसके पेड़ से लपटे रहते हैं लेकिन उस चंदन में कभी विष नहीं व्याप्त होता है और न वो अपनी शीतलता को छोड़ता है। कह रहीम उत्तम प्रकृति क्या का कर सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो भैया चंदन लगाने से संकट के समय व्यक्ति की रक्षा होती है। जिस घर में हर रोज चंदन की बट्टी को शिला पर घिसकर माथे पर लगाया जाता है ऐसे घर में रोग और शोक का नाम नहीं रहता है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि घिस करके केवल अपने ही लगा लीजिएगा। पहले अपने इष्ट देव को जरूर लगाइएगा, उसके बाद अपने को चंदन लगाइएगा। जो व्यक्ति भोजन बना करके और पहले गाय को, कन्या को, वेदपाठी ब्राह्मण को भोजन करा के स्वयं भोजन करता है उसके लिए वो भोजन अमृत बन जाता है। उसी तरह से जो व्यक्ति चंदन को घिस करके पहले देवताओं को अर्पित करता है फिर बाद में अपने लगाता है तो वह व्यक्ति भी समाज में सफल हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मान मर्यादा बढ़ जाती है। अनुष्ठान करते समय करोदवर्तन नाम से भी एक अनुष्ठान का भाग आता है। ये करोदवर्तन क्या है? ये करोदवर्तन ये है कि ये अनामिका उंगलियां जो हैं इन दोनों में चंदन लगा लिया जाता है, समझ रहे हैं, और इन उंगलियों के ऊपर ऐसे अंगूठा रख दिया जाता है और इसको हाथ से ऐसे करके और देवी देवताओं के ऊपर ये चंदन का छिड़काव किया जाता है, इसको कहते हैं करोदवर्तन। तो जिस स्थान पर चंदन घिसा जाता है और गरुण घंटी की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ का वातावरण हमेशा सकारात्मक रहता है। हर रोज़ घर से निकलने से पहले
नाभि पर चंदन का इत्र लगाने से संपन्नता आती है। चंदन का इत्र शुद्ध रूप से मार्केट में उपलब्ध भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं उपलब्ध है, और नकली भी मिलता होगा, लेकिन चंदन का इत्र अगर मिल जाए और आपको राहु की दशा अगर चल रही हो तो आप अपने मणिबंध पर, कलाई पर यहाँ 4-5 बार गोल गोल चंदन लगा दीजिए दोनों कलाइयों पर, और दोनों कलाइयों को आपस में मिला करके 2 बार सूंघ लीजिए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ राहु का कितना भी दूषित प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा और आपके अंदर सात्विकता बनी रहेगी। लेकिन चंदन में हल्दी, कुमकुम या केसर मिलाने से चंदन की सात्विकता प्रभावित होती है, क्योंकि हल्दी, केसर और कुमकुम ये राजसिक तत्व प्रधान हैं और मलयागिर चंदन सात्विकता का प्रधान है। ऐसे में बिना मिलावट वाला शुद्ध चंदन ही प्रयोग में लाना चाहिए। जय मां बिंदीवासिनी।